थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिवारीपुर में भूमि विवाद को लेकर एक युवक पर करीब दर्जन भर लोगों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल चिकित्सीय परीक्षण हेतु रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कस्बा शुक्ल बाजार निवासी माधव वाजपेयी पुत्र जगदीश्वर वाजपेयी प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश पासी के बहुत करीबी व भाजपा मीडिया संपर्क के जिला संयोजक हैं, जिनका जमीनी विवाद ग्राम तिवारीपुर मजरे इंद्रिया निवासी श्रवण कुमार पुत्र प्रताप नारायण से चल रहा है। थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक माधव वाजपेयी पुत्र जगदीश्वर वाजपेयी को ग्राम तिवारीपुर निवासी रामशरण शुक्ला द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनकी विवादित जमीन पर ग्राम तिवारीपुर निवासी श्रवण कुमार पुत्र प्रताप नारायण सघन आदेश के बावजूद विद्युत का ट्रांसफॉर्मर रखवा रहे हैं। सूचना पाकर जैसे ही माधव वाजपेयी विवादित स्थल पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचे, पहले से ही तैयार बैठे लोगों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दी गई तहरीर के अनुसार ग्राम तिवारीपुर निवासी श्रवण कुमार शुक्ला, प्रताप नारायण शुक्ला, शांति देवी, प्रदुम कुमार, विजय कुमार, धनु हिरई, संजीत कुमार, संजय संदीप सहित अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपने सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई किया उनके खिलाफ? हम जब सूचना दिया तो पुलिस हम दोनों पार्टियों को बैठा लाई और थाने पर करीब हम 12:50 पे आए और पुलिस माननीय न्यायालय का आदेश था उसमें बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी का, तब एसओ साहब ने कहा कि आप मेरे कहने पर एप्लीकेशन मैं जो कहूँगा ज़्यादा पढ़ा चढ़ा के आप मत लिखिए। जो घटना घटित हुई है बराबर वो मामूली धाराओं में मुकदमा लिखवाने के आधार पर ही तहरीर ज़बरदस्ती लिखवाई और मैं 12:50 पर गया, 3:50 पर मेरा मेडिकल हुआ। मैं ही चोटहिल हूँ, मेरे ही खिलाफ उधर पार्टी से भी क्रॉस केस लिखवाया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।